केकेआर के जिस खिलाड़ी ने बढ़ाई टीम इंडिया की शान, अब उसे ही रोहित शर्मा बाहर निकालने का बना रहे हैं प्लान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, जो पहला वनडे मुकाबले को अगर आप देखेंगे तो पहले वनडे मुकाबले में एक वक्त टीम इंडिया फंसी हुई नजर आ रही थी। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद भाई ये तो मुकाबला टीम इंडिया हार जाएगी, ये मुकाबला तो हाथ से निकल जाएगा। जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने शतक लगाया, धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की, उसके बाद ऐसा लग रहा था, और आखिरी ओवर तक जिस तरीके से मैच गया, ऐसा लग रहा था भारत क्रिकेट फैंस की सांसें फूली हुई थी, दिल धड़क रहा था कि भाई ये हाथ से मैच निकल ना जाए। लेकिन जिस खिलाड़ी ने मैच जिताया, जिस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, उस खिलाड़ी को रोहित शर्मा बाहर निकालने का प्लान बना रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो मैं खबर आपको बताऊंगा उसके बाद में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, केकेआर के फैंस को बड़ी निराशा होगी, और केकेआर के फैंस ये बात कहेंगे कि भाई केकेआर के साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि केकेआर के साथ पहले श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया, श्रेयस अय्यर को मौका नहीं दिया, श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव को खिलाया जा रहा है, उसके बाद में फिर जो मैच विनर खिलाड़ी था उसको भी बाहर निकालने का प्लान अब बनाया जा रहा है, और उस खिलाड़ी का नाम है शार्दुल ठाकुर। जी हां, शार्दुल ठाकुर के बारे में आपको पता होगा कि शार्दुल ठाकुर ने पहले वनडे मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की थी, दो बड़े विकेट भी चटकाए थे, और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आखिरी ओवर में टीम इंडिया फंसी हुई थी, जब टीम इंडिया को जीतने के लिए एक अच्छी गेंदबाजी की जरूरत थी, उस वक्त शार्दुल ठाकुर ने कमाल की ना केवल गेंदबाजी की बल्कि उस आखिरी ओवर में विकेट भी चटकाया और टीम इंडिया को मैच भी जिताया। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि टीम इंडिया रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा शार्दुल ठाकुर को बाहर निकालने का प्लान बना रहे हैं, और शार्दुल ठाकुर को बाहर निकाल के उमरान मलिक को खिलाने की बात लगातार चल रही है। तो यहां पर वास्तव में शार्दुल ठाकुर को बाहर निकालने का जो एक प्लान है, इससे हैरानी है। केकेआर के फैंस को निराशा होगी, भारतीय क्रिकेट फैंस को निराशा होगी कि भाई जब शार्दुल ठाकुर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो बात समझ में आती थी कि भाई शार्दुल ठाकुर को बाहर निकाल दीजिए, लेकिन जब अच्छा प्रदर्शन किया उसके बावजूद शार्दुल ठाकुर को क्यों निकाला जा रहा है, ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका टीम इंडिया के इस प्लान पर, इस फैसले पर क्या कहना है, ये भी बताइएगा। और क्या आपको लगता है वास्तव में केकेआर के खिलाड़ियों के खिलाफ कोई साजिश होती है, कोई प्लान तैयार होता है इसलिए उनको ज्यादा मौके नहीं दिए जाते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।